अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद और आप देख रहे हैं ए अजीज़ टेक्निकल चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट्रोल स्प्रिंकल टाइमर के बारे में, इसके पैरामीटर की सेटिंग और इसके कनेक्शन के ऊपर। ये डिटेल के साथ वीडियो है। डिटेल में जाने से पहले जो टाइमर के ऊपर पैरामीटर हैं उसको हम समझ लेते हैं कि इनको हम सेट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ऑटो देखते हैं। ऑटो में जो भी आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आप सेटिंग करते हैं, ऑटो पे आएंगे तो ये उसी प्रोग्राम के तहत स्प्रिंकल को ऑन करेगा। उसके बाद आता है सेट टाइम एंड डेट। जो टाइमर का आप टाइम और डेट सेट करेंगे तो आप इस प्रोग्राम पर आके उसकी टाइमिंग को सेट करेंगे और डेट को सेट करेंगे। उसके बाद आता है रन टाइम, यानी कि स्प्रिंकल जो है जितनी देर के लिए ऑन करने हैं तो आपने इस सेट प्रोग्राम पर आके उसको सेट करना है। उसके बाद आता है वाटर डे, यानी हफ्ते में आप कितने दिन जो है टाइमर को बंद रखना चाहते हैं, कितने दिन ऑन रखना चाहते हैं। उसके बाद आता है स्टार टाइम। तो स्प्रिंकल जिस टाइम आपने ऑन करना है वो टाइमिंग का आप इस प्रोग्राम में सेट करेंगे। उसके बाद आता है स्केलिंग, ये ऑप्शनल है, रेन सेंसर इसे ऑपरेट होता है। उसके बाद आता है मैनुअल। जब भी आपने स्प्रिंकल को मैनुअल ऑन करना है उसको चेक करने के लिए तो आप इस प्रोग्राम में आके उसको उसकी टाइमिंग सेट करेंगे। उसके बाद आ जाता है सेमी ऑटो, तो ये भी आप अगर इसको सेमी ऑटो पे सेट करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम पे आके आप इसको सेट करेंगे। अगर आप टाइमर को बंद करना चाहते हैं तो सिस्टम ऑफ पर आएंगे और आप अपना टाइमर बंद कर सकते हैं। तो इसके बटन पे बात कर लें तो ये नेक्स्ट वाला बटन है, जो कि आपकी यहाँ पर जितनी भी LEDs हैं वो शो होंगी और ये इसके प्रोग्राम को सेलेक्ट करेगा। इसके बाद है प्रोग्राम वाला बटन, तो इसमें ABC तीन प्रोग्राम है उसको सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद है माइनस या ऑफ वाला बटन, ये सिस्टम को ऑफ करने के लिए या पैरामीटर्स को मैनेज करने के लिए। और प्लस वाला बटन और ऑन वाला बटन, ये है स्प्रिंकल को ऑन करने या फिर पैरामीटर को प्लस करने के लिए। और ये जो तीर वाला बटन है ये प्रोग्राम को नेक्स्ट करने के लिए। उसकी अभी वायरिंग पे बात कर लें तो ये दो वायर जो है ये 24 वोल्ट की सप्लाई की हैं। नेक्स्ट जो वायर हैं ये सेंसर की हैं, रेन सेंसर, इसको हमने आपस में लुक कर दिया है क्योंकि अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद अभी पहली वायर जो है, जो कि मेन लिखी हुई है, जितने भी स्प्रिंकल हैं उनकी एक एक वायर जो है कॉमन करके यहाँ पर लगेगी और बाकी जो एक एक वायर बचेगी, 8 से इसकी स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं, इसमें 8 स्प्रिंकल के कनेक्शन हो सकते हैं। एक एक कॉमन होगी, बाकी जो वायर्स बैठेंगी एक एक पॉइंट पे लग जाएगी। अभी हम इसके पैरामीटर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारी टाइम डेट वाला LED ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा नेक्स्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो साल आ जाएगा, यानी कि ईयर। इसको प्लस और माइनस वाला बटन प्रेस करके हम सेट कर सकते हैं। फिर प्रेस करेंगे तो हमारा मंथ आ जाएगा, जो कि अभी 10 आ रहा है। एक बार दोबारा से नेक्स्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो डेट आ जाएगी, जिसको आप प्लस और माइनस वाला बटन प्रेस करके सेट कर सकते हैं। फिर प्रेस करेंगे तो हमारा इसके टाइम आ जाएगा, 24 घंटे रखना है या 12 घंटे वाला करना है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम सेट हो जाएगा। फिर प्रेस करेंगे तो हमारा रन टाइम आ जाएगा, ये स्प्रिंकल का टाइम है, ये 3 मिनट का टाइम लगा हुआ है, ये 1 मिनट से लेके 4 घंटे तक इसमें हम टाइम सेट कर सकते हैं। तो दोबारा से प्रेस करेंगे तो हमारा दूसरा स्टेज आ जाएगा, इसमें 8 स्टेजेस हैं जिसमें हमने सिर्फ 2 स्टेजेस जो है ना सेलेक्ट की हुई हैं। टाइम कम ज़्यादा करने के लिए प्लस माइनस वाला बटन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आप जो ऑफ है उसको हम कोई भी एक बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये स्प्रिंकल ऑन हो जाएगा। अभी हमने 3 मिनट पे सेट किया हुआ है। जब भी स्प्रिंकल को ऑफ करना है, किसी भी स्टेज को ऑफ करना है, तो आप प्लस और माइनस दोनों वाला बटन इकट्ठे प्रेस करेंगे तो वो आपकी स्टेज ऑफ हो जाएगी। जैसे कि अभी इस टाइमर के अंदर सिर्फ 1 नंबर और 2 नंबर हमने ऑन की हुई है, बाकी जितनी भी स्टेजेज हैं इसकी सब की सब हमने बंद की हुई हैं। तो अभी 1 नंबर स्टेज के ऊपर 3 मिनट का टाइम सेट है। फिर प्रेस करेंगे तो ये कॉल यानी कैलेंडर आ चुका है। जितने भी हफ्ते में दिन आपने इसको ऑन रखना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो अभी आप जिस दिन आपने बंद रखना है वो आप इसको माइनस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपका स्टार टाइम आएगा। स्टार टाइम यानी कि स्प्रिंकल के लिए जो आपने टाइम सेट करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 5 बजे का टाइम सेट किया है सुबह के लिए, अपने प्लस माइनस करके अपनी मर्ज़ी से वो टाइम सेट कर सकते हैं। इसमें 3 टाइम आप लगा सकते हैं। दूसरा टाइम जो है 6 बजे रात का है, इसको भी आप प्लस माइनस करके अपनी मर्ज़ी से 3 टाइम इसमें लगा सकते हैं। 3 टाइम की सेटिंग है इसके अंदर। उसके बाद है स्केलिंग, यानी कि ये ऑप्शनल है, हमने रेन सेंसर जो है इसको बाईपास किया हुआ है इसलिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पे मैनुअल।
जब भी आपने स्प्रिंकल को मैनुअल चेक करना है, किसी भी स्प्रिंकल को आपने चेक करने के लिए मैनुअल चलाना है, तो आप इसको मैनुअल पे लाएंगे और नेक्स्ट वाला बटन प्रेस करेंगे या प्लस और माइनस का कोई सा भी बटन प्रेस करेंगे तो अपनी स्टेज का कोई भी जो स्टेज आपने चेक करनी है वो टाइम आप लगा दें। उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन प्रेस करके आप इसको ऑटो पे लाएंगे तो वो स्टेज आपकी मैनुअल पर ऑन हो जाएगी। जैसे कि एक नंबर जो है वो स्टेज स्प्रिंकल जो है वो ऑन हो चुका है 3 मिनट के लिए, तो आप इसी तरीके इसको मैनुअल चला सकते हैं। इसको ऑफ करने के लिए आप ऑफ वाला बटन कुछ देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो आपका ये स्प्रिंकल ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो सेमी ऑटो जो कि अभी ऑफ पोजीशन पे है, इसको ऑफ पोजीशन पे ही रहने दें, तो अभी आपका जो आपने पैरामीटर सेट किए हैं स्प्रिंकल्स उस टाइम के हिसाब से ऑन ऑफ होते रहेंगे। उसके बाद है सिस्टम ऑफ। जब आप स्प्रिंकल्स को बंद करना चाहते हैं तो आप सिस्टम ऑफ पे करेंगे तो आपका टाइमर जो है स्प्रिंकल को ऑन नहीं करेगा, आपका जो टाइमर है वो शट डाउन रहेगा। तो उसके बाद आप इसको ऑटो पे कर देंगे तो आपके पैरामीटर के हिसाब से जो स्प्रिंकल्स हैं वो ऑन ऑफ होते रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हाज़िर होता हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।